अमेठी में न्यूज टाइम नेशन की खबर का हुआ असर। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के क्षेत्र की वीआईपी इंटरलॉकिंग रोड, ठेकेदार ने बिना काम पूरा हुए लगाया था बोर्ड। खबर चलने के बाद ठेकेदार ने मिटाया काम पूरे होने की तारीख। पहले आप ये बोर्ड देखिए, उस पर लिखे हुए शब्दों को गौर से पढ़िएगा। अब आप ये बोर्ड ध्यान से देखिए, दोनों बोर्ड में एक चीज का अंतर है। पहले बोर्ड के हिसाब से ये रोड 4 अक्टूबर 2023 लगभग एक महीने पहले ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन दूसरे बोर्ड पर काम पूरा होने की तारीख ही मिट गई। दरअसल अमेठी में जगदीशपुर ब्लॉक के मखदूमपुर से देवकली की तरफ नहर पटरी पर इंटरलॉकिंग निर्माण का बोर्ड लगा था, जिसमें ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड अमेठी ने 29,69,000 की लागत से इंटरलॉकिंग कार्य दर्शाया गया है, जिसकी शुरुआत 5 जुलाई 2023 और काम के खत्म होने की तारीख 4 अक्टूबर 2023 दिखाई गई थी। लेकिन जब न्यूज टाइम नेशन ने प्रमुखता से ये खबर चलाई तो जिम्मेदार ने काम तो नहीं कराया लेकिन तारीख मिटा दी। तो वहीं एक बार फिर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने पहुंचकर लोगों से बातचीत की। पेश है खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं अमेठी जिला के जगदीशपुर ब्लॉक के फिर उसी जगह जहां इंटरलॉकिंग का मामला अभी 2-4 दिन पहले ही हमने उठाया था। इंटरलॉकिंग लगी नहीं लेकिन कर्णपुर का बोर्ड लग गया। हम बात करेंगे इधर से निकलने वाले, क्या नाम है आपका? ये बताइए, एक बोर्ड लगा हुआ है हमारे पास, इसमें कर्णपुर पूर्णतिथि की अंतिम तिथि जो पहले दर्ज थी, आज इस समय जो है इसका मिटा हुआ है। क्या है पूरा मामला? आज लगभग 15 से 20 दिन पहले कार्य चल रहा था जो कुछ दूरी तक बनाया गया है अलग, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे जो है पूर्ण मतलब कार्य पूर्ण का बोर्ड लगाया जा चुका है। और बोर्ड लगाने के साथ साथ जब आपकी खबर अगले चैनल पे पहले आई थी तो उसको देखने के बाद ये लोग जो है आए और बोर्ड का जो कार्य पूर्ण तिथि था उसको मिटा के चले गए। क्या लगता है जो कारण जो मिटा दिए हैं कारण तिथि जो है, क्या लग रहा है इसमें क्या मामला होगा? मामला साफ नज़र आ रहा है, सीधा सीधा गबन का मामला है, क्योंकि इसमें कार आरंभ तिथि दिखाई जा रही है जुलाई से, अभी तक के 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने में अभी तक कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई है। साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे गबन का मामला हो सकता है। ये क्षेत्र जो है विधायक सुरेश पासी का है, तो क्या इसकी शिकायत आपको नहीं लग रहा है कि विधायक जिसे करना चाहिए? जी बिल्कुल करेंगे, सुरेश पासी जी से मुलाकात करने बाद इसकी शिकायत तुरंत करेंगे। अभी एक जो है समस्या क्या आ रही है आपको, मान लीजिए कि अभी इंटरलॉकिंग कुछ ही दूर पे लगी हुई है, ऐसे में दिक्कत क्या होती है? समस्या ये आ रही है कि बारिश होती रहे तो कीचड़, और बारिश नहीं होती रहे तो धूल का सामना करना पड़ता है। एक एक चला जाता है मोटरसाइकिल, तब जाकर समाप्त हो जाए तब हम जाए, और ट्रैक्टर ट्राली कहीं चला जाता है तो लीक बन जाती है, जो मोटरसाइकिल और अदर वाहनों को चलने में बहुत समस्याएँ हैं। जैसा कि नाजिम का कहना है कि यहाँ पे काम ना होने पे सिर्फ बोर्ड पे जो है काम दिखाया जा रहा है, और बोर्ड पे जब मामला जो है प्रकाश मीडिया में आता है उसके बाद बोर्ड के जो है मिटा दिया जाता है, ऐसे में गबन का मामला कहीं ना कहीं सीधा सीधा नजर आता है। और यहाँ के विधायक सुरेश पासी से लोग यहाँ के जो है ग्रामीण जो मिल रहे हैं, ये लोग शिकायत करने के लिए तैयार हैं। अमेठी से न्यूज टाइम के लिए ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।